राशन कार्ड में आधार कार्ड जोड़ने के नाम पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए मांगने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। उंटारी रोड से उमेश कुमार नेता की रिपोर्ट। पलामू जिले के पांडू प्रखंड अंतर्गत मूसी खाप पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुनील पांडे ने पंचायत में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र एवं पीडीएस दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पाया कि कल्याणी महिला समूह के डीलरों द्वारा अंगूठा लगाकर पर्ची नहीं दिया जा रहा है। वहीं कई ग्रामीणों ने राशन कार्ड में आधार कार्ड जोड़ने के नाम पर 500 रुपए मेहंदी हसन द्वारा मांगे जाने का मामला भी प्रकाश में आया है। मुखिया प्रतिनिधि श्री पांडे ने कहा कि मूसी खाप पंचायत के अंदर किसी भी प्रकार का अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनका भी अंगूठा लगाया जा रहा है उसे उसी समय राशन भी दिया जाए। अगर अंगूठा लगाकर राशन नहीं दिया गया तो ऐसे डीलरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का निवाला कोई न छीने, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। अगर कोई भी डीलर मनमानी करता है तो तत्काल हमें सूचित करें। वहीं जांच के क्रम में श्री पांडे आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां मात्र 5 से 10 बच्चे ही उपस्थित थे, जिसे देख श्री पांडे आग बबूला हो गए। उन्होंने फौरन उपस्थिति पंजी मांगकर जांच की, जिसमें 40 बच्चों की उपस्थिति थी। श्री पांडे ने कहा कि यह पहली बार हिदायत देकर छोड़ा गया है, अगर भविष्य में दोबारा इस प्रकार की गलती होती है तो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। चाहे वह आंगनबाड़ी केंद्र हो या विद्यालय हो, सभी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। मौके पर वार्ड सदस्य राजू शर्मा, ललेश चंद्रवंशी, महफूज आलम, इसहाक अंसारी के साथ साथ दर्जनों लोग उपस्थित थे।